तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम द थियरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज बाय डॉक्टर सैमुअल हनीमान सर के इस 37वें दिन में आप सबका स्वागत है। कल थोड़ा बिजी था तो इसलिए सेशन नहीं कर पाए हम, लेकिन फिर से हम अपनी वापस वही ऊर्जा के साथ आपके समक्ष हम आए हैं। तो अब तक हमने सीखा कि कैसे क्या क्या ध्यान रखना है, डाइट में क्या हम कर सकते हैं चेंजेस, और उसके साथ कपड़े में क्या चेंजेस कर सकते हैं। और अब बात चल रही है कि हम माइंड के हिस्से को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, उसमें क्या ध्यान रखना है। तो कल हमने शुरुआत की कि ग्रीफ एंड वैक्सेशन, ये दो ऐसी चीज है जो ये दो ऐसी एजेंसी है माइंड की, जो हमारी लाइफ को हर पल हमें हमें अफेक्ट कर रही है, हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रही है। और इसीलिए इन दोनों को भी हमें कंट्रोल करना होगा। इस तरीके से वो अब आगे हम इसको पढ़ते हैं। तो एज द गुड फिजिशियन विल बी प्लीज्ड व्हेन ही कैन एनलाइवन एंड कीप फ्रॉम एन्यू द माइंड ऑफ द पेशेंट। एज अ गुड फिजिशियन विल बी प्लीज्ड, कि एक अच्छा फिजिशियन आनंद कर सकता है किसमें, व्हेन ही कैन एनलाइवन एंड कीप फ्रॉम एन्यू द माइंड ऑफ अ पेशेंट। जब वो अपने अपने पेशेंट के मन को अपने पेशेंट के मन को कंटालीजनक परिस्थिति से बाहर रखता है, बाहर लाता है, या उसको एनलाइवन करवाता है, तो फिर वो फिजिशियन अपने आप को प्लीज करेगा कि भाई हाँ, तो ये भी मैं करना चाहता हूँ। इन ऑर्डर टू, क्यों ऐसा करना है, इससे क्या होगा, इन ऑर्डर टू एडवांस अ क्योर विच इज नॉट एनकम्बर्ड विथ सच ऑब्स्ट्रक्शन। जब भी ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे कि पेशेंट हर दिन कंटाल जाता है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है कहीं पर भी, तो वो ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस के साथ क्योर को एडवांस करना काफी दिक्कत होती है। और क्योर को एडवांस करने के लिए, जो इस ऑब्स्ट्रक्शंस के साथ नहीं हो पाता, तो उसको करने के लिए हमें पेशेंट को उसकी ये माइंड की स्टेट है कि वो कंटाल रहा है, तो उससे उसको एनलाइवन करवाना होगा। कैसे, वो ऐसा करना चाहता है, इसीलिए ही विल इन सच अ केस, ऐसा करने के लिए वो क्या करेगा ऐसे केस में, फील मोर देन एवर द ड्यूटी इनकम्बेंट अपॉन हिम टू डू ऑल विद इन द पावर ऑफ हिज इन्फ्लुएंस ऑन द पेशेंट। हमारे पास जितनी ताकत हो, हमें इन्फ्लुएंस करने की जितनी शक्ति हो, हमारे पेशेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस करने की जितनी भी शक्ति हो, वो सब हमें करना चाहिए। वो हमारी ड्यूटी है जो हमारे ऊपर आई हुई है, इनकम्बेंट अपॉन हिम, हमारे ऊपर आई हुई ये ड्यूटी है, ऐसा वो फील करेगा। एंड ऑन हिज रिलेटिव्स एंड सराउंडिंग्स, हमारे पेशेंट, हम उनके रिलेटिव और उनके सराउंडिंग के ऊपर हम किस तरीके से प्रभाव डाल के उसको चेंज करवाते, उसके माइंड को, ऐसा हम फील करेंगे ऐसे केसेस में कि भाई हम इसकी इसकी मन को चेंज करें, इसको और उत्साही बने बनाए। अगर वो डेड अवस्था में है तो उसको बाहर निकाले और उसको लाइफ के प्रति एंजॉयमेंट लाने के लिए उसको प्रोत्साहित करें, ऐसा हम फील करेंगे। क्योंकि हर फिजिशियन यही चाहता है कि मेरा पेशेंट जल्द से जल्द अच्छा हो जाए, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करे। इन ऑर्डर टू रिलीव हिम ग्रीफ एंड वैक्सेशन, ताकि वो अपनी ग्रीफ एंड वैक्सेशन से रिलीव हो पाए। These will and must be a chief end of his care and neighborly love. तो अगर आप ऐसा फील करते हैं और ऐसा करते हैं, तो फिर वो आपकी तरफ से अपने पेशेंट को दिया गया बेहतर प्यार है, बेहतर केयर है, क्योंकि आप अपने पेशेंट को लव एंड केयर करते हैं। तो ये एक एक अंत आ जाएगी, एक सीमा है कि आपने अनहद अनहद कोशिश कर रहे हैं पेशेंट को ठीक करने की। बट इफ द रिलेशन ऑफ द पेशेंट कैन नॉट बी प्रूव इम्प्रूव इन दीज रिस्पेक्ट, लेकिन अगर पेशेंट के रिलेशन, पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम है,
वो इस रिस्पेक्ट में सही नहीं हो रहा है या आप सही नहीं कर सकते हैं। एंड इफ ही हैज नॉट सफिशिएंट फिलोसॉफी रिलीजन एंड पावर ओवर हिमसेल्फ टू बियर पेशेंटली एंड विथ इक्विनिमिटी विथ ऑल द सफरिंग्स एंड एफ्लिक्शंस फॉर विच ही इज नॉट टू ब्लेम एंड विच इट इज नॉट इन हीज पावर टू चेंज। एक बात यह है कि अगर आप किसी भी तरीके से पेशेंट के इन प्रॉब्लम्स को, जैसे उनके रिलेशन से या फिर कोई भी ऐसी मैटर को आप इंप्रूव नहीं कर सकते हैं इन दिस रिस्पेक्ट, ताकि वो कंटाले नहीं, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, ऐसी रिस्पेक्ट के साथ अगर आप वो चेंज नहीं कर, इंप्रूव नहीं कर सकते। और दूसरी क्या है परिस्थिति कि वो पेशेंट के पास उतनी फिलोसॉफी, ही हैज नॉट सफिशियंट फिलोसॉफी रिलीजन एंड पावर ओवर हिमसेल्फ टू बियर पेशेंटली, कि वो इन सब बातों को अपनी लाइफ के प्रति धीरजता के साथ सब कुछ बियर नहीं कर पाता, उतनी ताकत, उतना रिलीजन, उतनी फिलोसॉफी उसके पास नहीं है कि वो इन सबको पेशेंटली हैंडल कर सके एंड विथ इक्विनिमिटी ऑल द सफरिंग्स, अपने हर एक सफरिंग्स को, अपनी हर एक लाइफ की परिस्थिति को, एफ्लिक्शंस को, सभी प्रभावों को, सभी घटनाओं को पेशेंटली बियर न करने के लिए जो जरूरी जरूरी रिलीजन, फिलोसॉफी, पावर चाहिए वो ना हो, कि जिससे फॉर विच ही इज नॉट टू ब्लेम, जिससे जिससे वो ब्लेम ना हो, ऐसी ऐसी परिस्थिति को सामना करने के लिए जो पावर चाहिए वो पावर नहीं हो, एंड एंड विच इट इज नॉट इन हिज पावर टू चेंज, और ये उसके हाथ में भी ना हो कि वो उसको चेंज कर पाए। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इफ ग्रीफ एंड वेक्सेशन कंटिन्यूअली बीट इन अपॉन हिम, और उसके ऊपर कंटिन्यूअली ग्रीफ एंड वेक्सेशन अगर उसका मारा चल रहा हो, एंड इट इज आउट ऑफ पावर ऑफ द फिजिशियन टू इफेक्ट अ लास्टिंग रिमूवल ऑफ दीज मोस्ट एक्टिव डिस्ट्रॉयर्स ऑफ लाइफ, एंड उसके साथ इट इज आउट ऑफ पावर ऑफ फिजिशियन, फिजिशियन के भी हाथ में नहीं है, उसके पावर में नहीं है कि वो इस लास्टिंग रिमूवल ऑफ द, ये जो टू डिस्ट्रॉयर ऑफ लाइफ है, यानी कि ग्रीफ एंड वैक्सेशन, गुस्सा और दुख, ये दो लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है, तो इन दोनों को रिमूव करने के लिए जो भी असर करनी चाहिए वो फिजिशियन के भी हाथ में ना हो, उसके भी पावर में ना हो। और तीन और कंडीशन कि पेशेंट भी असक्षम हो, वो इम्प्रूव नहीं कर पाता हो, उसके हाथ में ना हो, पेशेंट के हाथ में ना हो, और पेशेंट के पास उतनी ताकत, उतनी अंडरस्टैंडिंग और उतनी उतनी फिलॉसफी, उतना रिलीजन नहीं है कि वो इन सबको चेंज कर पाए, तो फिर क्या करना है? ही हैड बेटर गिव अप द ट्रीटमेंट, तो वो बेहतर है कि वो ट्रीटमेंट छोड़ दे, अनलेस द पेशेंट शुड हैव लिटल और नो कॉज फॉर हिज ग्रीफ एंड सोरो और हार्डली एनी इंसाइटमेंट फ्रॉम विदाउट टू वैक्सेशन एंड इन कॉन्सिक्वेंस वुड नीड मोर पर्टिकुलरली टू बी ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट टू हिज मेंटल डिसऑर्डर, अगर वो मेंटल डिसऑर्डर में ना हो तो आप उसको ट्रीट करो। अगर मेंटल डिसऑर्डर में नहीं है लेकिन उसके पास कोई कॉजेशन है जिससे उसको दुख हो रहा है, जिससे उसको गुस्सा आ रहा है, तो ऐसे केसेस में बेहतर है कि वो ट्रीटमेंट को छोड़ दे, क्योंकि वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है इस परिस्थिति को, अपने मेंटल एटीट्यूड को वो ट्रीट नहीं कर पा रहा है या चेंज नहीं कर पाए, इंप्रूव नहीं कर पाए, कोई ऐसी अपने लाइफ, जैसे 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 हम अभी क्या करते हैं कि अपने क्लिनिक में, पर्टिकुलरली मेरे अपने क्लिनिक की बात कर रहा हूँ, कि मैं क्या करता हूँ अभी, कि जैसे ही पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, दवाई देते हैं और उसको दवाई, और जब सेकंड फॉलोअप आता है और उसको अच्छा होता है, तो फिर हम उसको ये पार्ट को, उसकी ये पार्ट जो उसकी ग्रीफ एंड वैक्सेशन का पार्ट है, उसको सही करने के लिए, ये ऑब्स्टेकल्स को हटाने के लिए हम उसको समझाते हैं कि भाई आप लाइफ को एंजॉय करो, जो बीत गया वो बीत गया, अब उसको उसको पकड़ के रखने से कुछ नहीं होने वाला है, लाइफ में आगे बढ़ जाओ।
और धीरे धीरे वो पेशेंट्स भी समझते हैं कि कैसे क्या करना है, हम उनको गाइड करते हैं। हर एक पेशेंट के अपना इंडिविजुअल प्रॉब्लम होता है, तो हमें उसको इंडिविजुअली उसके पार्ट को समझना समझाना होगा कि भाई अब आपको क्या करना है आपके लाइफ में। तो उसको समझाओ कि वो अपना गोल निश्चित करे। हर एक का गोल अलग अलग होता है, तो हर एक अपना गोल निश्चित करेंगे तो और उसके ऊपर ध्यान करेंगे कि भाई मुझे तो यही करना है। तो धीरे धीरे उसका उसकी जो ग्रीफ एंड वैक्सेशन का पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा और वो अपने लाइफ के प्रति जागरूक हो जाएगा। क्योंकि ये फिजिशियन की भी ड्यूटी है, और हम सब इसको करना चाहते हैं कि भाई हम अपने पेशेंट्स को स्पिरिचुअली भी इवॉल्व करें। तो ये मेंटल डिसऑर्डर का पार्ट है। अगर बिना कोई वजह ग्रीफ एंड वैक्सेशन है तो फिर ये मेंटल डिसऑर्डर का पार्ट हो जाएगा। तो उसको आपको कुछ समझाना नहीं है, सिर्फ उस पार्ट में आपको उस डिजीज में आपको सिर्फ दवाई देनी है। आपकी दवाई उसमें काम करेगी और पेशेंट ठीक हो जाएगा बाय मीन्स ऑफ द एंटीसोरिक रेमेडीज विच आर एट द सेम टाइम सुटेड टू द रेस्ट ऑफ हिज क्रॉनिक डिजीजेस। उनके सभी क्रॉनिक डिजीज को भी ये शूट करेगी और इन दवाइयों से उसकी पूरी बॉडी और उसके मेंटल डिसऑर्डर सही हो जाते हैं। एंड सच केसेस आर नॉट ओनली क्योरेबल बट ऑफन वेरी इजीली क्योरेबल। तो ये ऐसे डिजीज मेंटल डिजीजे सिर्फ क्योरेबल नहीं है, ये सरलता से क्योर हो जाते हैं ऐसे डिजीज। एंड लीव द पेशेंट टू हिज फेट। तो तब आपको क्या करना है, तब आपको पेशेंट को उसके भाग्य पे छोड़ देना है। फॉर इवन द मोस्ट मास्टरली मैनेजमेंट ऑफ द केस विद द रेमेडीज दैट आर द मोस्ट एक्सक्विजिट एंड द बेस्ट एडेप्टेड टू बॉडीली एलिमेंट विल अवेल नथिंग नथिंग एट ऑल विथ अ क्रॉनिक पेशेंट दस एक्सपोज टू कंटिन्यूअल सोरो एंड वेक्सेशन। तो ऐसे क्रॉनिक पेशेंट जो कंटिन्यू दुख में है, कंटिन्यू गुस्से में है, वैक्सेशन में है, यानी कि हर दम उनके लाइफ में यही चीजें आती है कि गुस्सा और दुख हर पल। वो उनके घर में ऐसी घटनाएं घटित होती है जहां पर पेशेंट को गुस्सा और दुख लगता है बार बार, लगातार ऐसा होता हो, रोज होता हो। तो फिर और आप या पेशेंट इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसको इम्प्रूव इन चीजों को इम्प्रूव नहीं कर पा सकता है और आप भी कुछ नहीं कर सकते, तो उन केसेस में पेशेंट को छोड़ दो अपने भाग्य पे। क्योंकि आप कितना भी मास्टरली मैनेजमेंट करेंगे, कितनी भी अच्छी दवाई देंगे और उसकी बॉडी पर कितनी ही अच्छी इफेक्ट आ रही हो, लेकिन उसमें आप कुछ नहीं दे सकते। द बेस्ट एडेप्टेड टू द बॉडी एलिमेंट विल अवेल नथिंग। वो कुछ नहीं कर सकती, वो दवाई से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, नथिंग एट ऑल। एंड इन होम द वाइटल इकोनॉमी इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय कंटिन्यूअस असॉल्ट्स ऑन द माइंड। और ऐसे केसेस में जिसमें वाइटल इकोनॉमी बार बार लगातार हर रोज डिस्ट्रॉय हो रही है, ऐसे असॉल्ट से जो उसके पेशेंट के जो वो पेशेंट के माइंड पे हो रहे हैं ग्रीफ एंड वैक्सेशन से, वो अपनी उसकी वाइटल एनर्जी को उसके उसके वाइटल प्रिंसिपल्स को इकोनॉमी को खत्म कर रहा है अंदर से। तो वो बंद नहीं हो रहा है, तो फिर आपकी दवा आप कितना भी उसको स्टिमुलेट करें वाइटल फोर्स को, लेकिन लगातार ये तो चल रहा है। ये कैसी बात हुई कि आप लगातार एंटीडोट ले रहे हैं पॉइजन का और वो पॉइजन चालू ही है लेना, ऐसी बात है। तो क्या होगा, एंटीडोट काम नहीं करेगा। आपके पास पॉइजनिंग के बाद वो पेशेंट आता है और आप उसको एंटीडोट दे रहे, लेकिन वो पॉइजन तो ले ही रहा है कंटिन्यूअस, तो एंटीडोट कैसे काम करेगा, उसके सिम्टम कैसे सही होंगे, इस तरीके की बात। तो हनुमान सर ने काफी ये एक्सपीरियंस के बाद ये सब बातें लिखी है, तो अगर अगर इस पर भरोसा नहीं है तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्योंकि काफी मैंने भी देखा है कि काफी ऐसे पेशेंट है जिनके घर पर परिस्थितियां सुधरती नहीं है, कोई मानने वाला नहीं होता कि भाई इसको थोड़ा प्यार दो, थोड़ी केयर करो। अगर कोई नहीं करता है तो फिर वो पेशेंट धीरे धीरे अच्छा नहीं होता है, वो बिगड़ता जाता है और पेशेंट भी छूट जाते हैं फिर अपने आप, क्योंकि वो तो उसका भाग्य है। लेकिन हम स्पिरिचुअल लेवल पे उस पर काम कर सकते हैं कि भाई हम अपने अपने पेशेंट्स को प्यार और केयर दे सकते हैं, दूर
दूर से बैठे हुए हम उसको आशीर्वाद दे सकते, ब्लेसिंग दे सकते दूर से, क्योंकि जहां पर हमारा हमारी पहुंच नहीं आती, वहां पर ये सब बातें एनर्जी काम करती है, और कभी कभी ये अच्छी तरीके से वर्क भी कर सकता है। द कंटिन्यूएशन ऑफ द फेयरेस्ट एडिफाइस इज फुलिश। आप कितना भी इसको चलाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, ये सब फुलिश है हो जाएगा। व्हेन द फाउंडेशन इज बीइंग डेली अंडरमाइंड, क्योंकि उसकी जो फाउंडेशन है, उसकी आत्मा है, उसकी वाइटल एनर्जी है, वो तो रोज अंडरमाइंड हो रही है, रोज वो कम होती जा रही है, इवन इफ बट ग्रेजुअली बाय द प्ले ऑफ द वेव्स। तो ग्रेजुअली, भले ही वो ग्रेजुअली हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है, और ये वेव्स के प्ले में, क्योंकि ये ग्रीफ एंड वैक्सेशन वो उस वेव्स में आते हैं कि वो उसको ग्रेजुअली अंडरमाइंड कर रहा है। ऑलमोस्ट एज नियर एंड ऑफन नियरर येट टू इनक्योरेबिलिटी आर द क्रॉनिक डिजीजेस, स्पेशली विथ ग्रेट एंड रिच मैन। ऑलमोस्ट नियर एंड ऑफन नियरर येट, कि ऑलमोस्ट एज नियर एंड ऑफन नियरर येट टू इनक्योरेबिलिटी, क्योंकि ऐसे क्रॉनिक केसेस कैसे हो जाएंगे, नियरर टू इनक्योरेबल, स्पेशली विथ ग्रेट एंड रिच मैन हु फॉर सेम इयर्स बिसाइड्स द यूज ऑफ मिनरल बाथ्स हैव पास्ड थ्रू द हैंड्स ऑफ वेरियस ऑफन ऑफ मेनी एलोपैथिक फिजिशियंस हु हैव ट्राइड ऑन देम वन आफ्टर अनदर ऑल द फैशनेबल मोड्स ऑफ क्योर द रेमेडीज विच आर सो बॉस्टिंगली लॉटेड इन इंग्लैंड फ्रांस एंड इटली ऑल स्ट्रॉन्गली एक्टिंग मिक्सचर्स। तो ये सब क्रॉनिक डिजीजेस इनक्योरेबल, नियर टू इनक्योरेबल हो जाते हैं, स्पेशली कैसे में ग्रेट एंड रिच मैन जो काफी सालों से मिनरल बाथ का यूज करते हैं। उसमें फुटनोट है कि एवरी टाइम द बाथ्स आर यूज्ड इवन व्हेन द वाटर इज नॉट ऑन इन इटसेल्फ अनसुटेबल टू द एलिमेंट दे आर टू बी कंसिडर्ड एज द यूज ऑफ लार्ज डोजेस ऑफन रिपीटेड ऑफ वन एंड द सेम वायलेंटली एक्टिंग मेडिसिन, अ वायलेंट ऑपरेशन ऑफ विच कैन सेल्डम बी सेल्यूटरी। तो ऐसे पेशेंट काफी फिजिशियन के पास जाके आते हैं। उन्होंने उन्होंने अपने आप को ऐसे मिनरल बाथ दिए जो जो वायलेंटली, भले ही वो उसके एलिमेंट के साथ अनसुटेबल हो, लेकिन वो लार्ज डोज में दी गई वायलेंट एक्टिंग दवाइयाँ थी। तो इसकी वजह से वो ऐसे मैनी फिजिशियन के पास जाके, हमारे पास, और उन्होंने क्या किया होता है, वो हैव ट्राइड ऑन देम वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरी फैशनेबल मोड ऑफ क्योर को ट्राई किया हुआ होता है, एंड द रेमेडीज विच आर सो बॉस्टिंगली लॉडेड इन इंग्लैंड फ्रांस इटली और स्ट्रॉन्गली एक्टिंग मिक्सचर्स। सभी जो दवाइयाँ वहाँ उस टाइम पे उपलब्ध थी और फैशन में थी, उन तरीके की दवाइयों को जो वायलेंटली एक्टिंग एंड स्ट्रॉन्गली एक्टिंग मिक्सचर्स होते हैं, उन दवाइयों को वहां पर यूज किया होता हुआ होता है उन फिजिशियंस ने। और ऐसे पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, तो वो पेशेंट नियर टू इनक्योरेबल हो जाते हैं। By so many unsuitable medicines, which are injurious by their violence and their frequent repetition in large doses, the sura which always lies within, even if not combined with syphilis, becomes every year more incurable, to as do also the chronic ailments springing from it. तो जो ये ऐसी अनसुटेबल दवाइयों जो काफी सारी दी गई है उसको, उससे विच आर इंजरियस बाय देयर वायलेंस एंड फ्रीक्वेंट रिपीटेशन इन लार्ज डोजेस, जो ये वायलेंस ही और उसकी जो फ्रीक्वेंट रिपीटेशन है लार्ज डोज में, उसकी वजह से ये काफी इंजरियस हो जाती है। तो इससे क्या होता है, दसोरा, कि जो हमेशा से ही हमारे अंदर होता है दसोरा सोरा, इवन इफ नॉट कंबाइंड विथ सिफिलिस, भले ही वो सिफिलिस के साथ कंबाइन नहीं हुआ, फिर भी वो हर साल इनक्योरेबिलिटी की तरफ जाता है, हर साल ये इनक्योरेबल होता जाता है,
एज डू ऑल्सो द क्रॉनिक डिजीज, और उसकी वजह से जो क्रॉनिक क्रॉनिक डिजीज उत्पन्न होते हैं वो सब इनक्योरेबल हो जाते हैं। एंड आफ्टर द कंटिन्यूएशन ऑफ सच इरेशनल मेडिकल असॉल्ट्स ऑन द ऑर्गेनिज्म फॉर सेवरल इयर्स इट बिकम्स ऑलमोस्ट क्वाइट इनक्योरेबल। और ऐसे इरेशनल मेडिकल असॉल्ट जो कंटिन्यू कितने लंबे सालों से ऐसा चल रहा है ऑर्गेनिज्म पे, तो उसकी वजह से क्या होता है, इट बिकम्स ऑलमोस्ट क्वाइट इनक्योरेबल, और उसकी वजह से ये सोरा क्वाइट इनक्योरेबल हो गया है, यानी कि पेश। और जब जब सोरा ही इनक्योरेबल है तो उससे जो बीमारियां उत्पन्न होती है वो काफी इनक्योरेबल हो जाए। इट कैन नॉट वेल बी डिसाइडेड, हम लेकिन हम इसको अच्छी तरीके से डिसाइड नहीं कर सकते, तो ये काफी अच्छी बात है। सिंस दीज थिंग्स टेक प्लेस इन द डार्क, क्योंकि ये सब तो अंधेरे में हो रहा है, हम देख नहीं सकते सोरा को, हम डायनामिज्म को देख नहीं सकते, तो ये सब कुछ अंधेरे में हो रहा है। वेदर दिस हेरोइक अनहोम्योपैथिक डोजेज हैव एडेड एज मे बी सस्पेक्टेड न्यू एलिमेंट्स टू द ओरिजिनल डिजीज, विच एलिमेंट थ्रू द लार्ज डोजेज ऑफ लार्ज लार्जनेस ऑफ द डोजेज एंड द फ्रीक्वेंट रिपीटेशन हैव नाउ बिकम लास्टिंग एंड एज इट वेयर क्रॉनिक, और वेदर थ्रू एब्यूज देर हैज रिजल्टेड अ क्रिपलिंग ऑफ द डिफरेंट फैकल्टीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज दोज ऑफ इरिटेबिलिटी, ऑफ सेंसेशन एंड ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड सो प्रोबेबली फ्रॉम बोथ कॉजेज देर हैज अराइजन द मॉन्स्टर ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स फ्यूज्ड इन टू वन अनदर, विच कैन नो लॉन्गर बी रैशनली रिव्यूड एज अ सिंपल नेचुरल एलिमेंट। तो ये जो इट कैन नॉट वेल बी डिसाइडेड, हम इसको अच्छी तरीके से तय नहीं कर सकते। देखिए सर की महानता कितनी है कि उन्होंने जो भी प्रूव किया है और जिस हालत में प्रूव किया उसी हालत में उन्होंने लिखा है कि भाई ये प्रूव नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये सब तो अंधेरे में है, इसको कोई देख नहीं सकता। एज सिंस ऑल दीज थिंग्स टेक प्लेस इन द डार्क, और ये वेदर वेदर ये जो अनहोम्योपैथिक हेरोइक डोजेज है जो चाहे कितनी हैव एडेड एज मे बी सस्पेक्टेड, और उसकी वजह से हम ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि उसके अंदर ये ओरिजिनल डिजीज में एक नया डिजीज ऐड हो गया, कि जिनकी बीमारी लार्ज लार्ज डोजेज और उसके बार बार रिपीटेशन से अब इतनी हो गई, यानी ये मेडिसिनल एलिमेंट मेडिसिनल डिजीज ये लंबे टाइम तक रहा एंड एज इट वेयर क्रॉनिक, और ये यहाँ पर हम इसको हैमर से समझ सकते हैं कि जितने लंबे टाइम तक कॉन्फ्लिक्ट चलता है उतना वो उसकी जो हीलिंग है वो भी हैंगिंग हीलिंग में चली जाती है। इसको कहते हैं हैंगिंग कॉन्फ्लिक्ट, कि ये लंबे टाइम तक उसका वो मेडिसिनल डिजीज वो मेडिसिन लंबे टाइम तक लार्ज डोजेस में दी गई, तो वो हैंगिंग कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो लंबे टाइम तक उसकी जो प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट इनक्योरेबल हो जाती है। एंड और वेदर थ्रू एब्यूज या फिर उसका एब्यूज किया गया हैज बीन रिजल्टेड देयर हैज रिजल्टेड और उसकी वजह से देयर हैज रिजल्टेड अ क्रिपलिंग ऑफ डिफरेंट फैकल्टीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उसके ऑर्गेनिज्म की जो फैकल्टीज है अलग अलग हमारी बॉडी की जो सिस्टम है उसको क्रिपल कर दिया, यानी कि उसको उसको उसके फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया। देयर इज दोज ऑफ इरिटेबिलिटी, दोज ऑफ सेंसेशन एंड दोज ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सो ऑन, मोर प्रोबेबली फ्रॉम बोथ कॉजेस, कि ज्यादातर दोनों कोज से उसके एब्यूज से और उसको लंबे टाइम चलाने से हमारी इरिटेबिलिटी हमारे सेंसेशन हमारे रिप्रोडक्शन और न जाने और कई सारे फंक्शन और सिस्टम को ये तबाह कर देता है, क्रिपल्ड कर देता है। एंड सो देयर हैज अराइजन द मॉन्स्टर ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, और इसकी वजह से ये काफी वेरियस एलिमेंट्स के राक्षस यानी कि सिंड्रोम की क्रिएशन होती है, फ्यूज इन टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ जुड़ के ये सिंड्रोम बना देते हैं।
विच कैन नो लॉन्गर बी रैशनली व्यूड एज अ सिंपल नेचुरल एलिमेंट। अब ये उसको न्याय पूर्वक से अब हम इसको एक सिंपल प्राकृतिक बीमारी नहीं कह सकते। इन शॉर्ट टुक में अगर हम बात करें, शॉर्ट में हम बात करें तो दिस मेनी साइडेड डिसहार्मनी एंड परवर्जन ऑफ पार्ट्स एंड ऑफ फोर्सेस मोस्ट इंडिस्पेंसेबल टू लाइफ प्रेजेंट अ चाओस ऑफ एलिमेंट्स विच द होम्योपैथिक फिजिशियन शुड नॉट लाइटली डिक्लेयर क्योरेबल। तो शॉर्ट में अगर हम बात करें तो ये जो सभी तरीके की ये मेनी साइडेड जो बीमारी है, सब एंगल से हर एक सिस्टम का कुछ ना कुछ बिगड़ा हुआ ये डिसहार्मनी है। एंड परवर्जन ऑफ पार्ट्स एंड ऑफ फोर्सेस मोस्ट इंडिस्पेंसेबल टू लाइफ, और ऐसे पार्ट और ऐसे फोर्सेस जो हमारी लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें अगर कोई डिसहार्मनी है, परवर्जन है, प्रेजेंट चाओज और एलिमेंट्स, तो ये बीमारी का चाओज है, यानी कि काफी सारी बीमारियां एक साथ आ गई। और इन केसेस में होम्योपैथिक फिजिशियन इसको लाइटली ये डिक्लेयर नहीं कर सकता कि ये क्योरेबल। बाय सच ट्रीटमेंट्स, लेकिन आजकल काफी विज्ञान आगे बढ़ा हुआ है, और हम इन सब बातों को जोड़ के अगर आज के मॉडर्न हो टाइम में अगर होम्योपैथिक की प्रैक्टिस हनुमान सर की अंडरस्टैंडिंग के साथ करें तो यहाँ पर कुछ बातें चेंज हो सकती है। कि जैसे आजकल हम देख सकते हैं कि काफी सारे ऐसे केसेस हैं जो धीरे धीरे अब निकल रहे हैं होम्योपैथी के साथ, और ये होम्योपैथी की अंडरस्टैंडिंग वो हनुमान सर की अंडरस्टैंडिंग के साथ जब हो तब ऐसे केसेस निकलना चालू होते हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि काफी ऐसे ऐसे चाओज वाले एलिमेंट्स भी होम्योपैथिक फिजिशियन से अच्छे हो रहे हैं, लेकिन इतना ये इजी नहीं है। तो इतना हम लाइटली ये नहीं कह सकते कि ये क्योर हो जाएगा, हमें इसको डिक्लेयर भी नहीं कर सकते कि भाई ये क्योरेबल है, क्योंकि क्योंकि अभी भी कुछ ना कुछ उसमें कमी भी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग में, हनुमान सर को अंडरस्टैंड करने में और अप्लाई करने में कुछ कमी रह जाती है, जिसकी वजह से ये पार्ट्स क्लियर नहीं होते। लेकिन हम इसको और नजदीक जाएंगे और उसको अप्लाई करने में और समझने में, उसको जितना हमसे हो सकेगा इस बॉडी में रह के जितना हो सकेगा उतना हम उसके नजदीक जाएंगे हनुमान सर के, और उसको उसी नजदीकी के साथ हम इसको अप्लाई करने वाले। बाय सच ट्रीटमेंट्स विच आर इनकेपेबल ऑफ क्योरिंग द ओरिजिनल डिजीज को क्योर करने में अगर असक्षम हो वैसी ट्रीटमेंट से, बट आर एग्जॉस्टिंग एंड डेबिलिटेटिंग, ओरिजिनल डिजीज को क्योर नहीं कर सकती लेकिन हमारी बॉडी को अंदर से खोखली कर रही है, एग्जॉस्ट कर रही है, डेबिलिटेट कर रही है, उसको कमजोर बना रही है। कैसे? हमारे ब्रेन के सेंटर को सप्रेस करके, चाहे वो फीवर की दवाइयां हो या कफ की दवाइयां हो, जो हमारे ब्रोंकाई के स्पाज़म को बार बार स्टिमुलेट करके या उसके मसल को रिलैक्स करके, ये हमारी बॉडी को क्या कर रहा है, उसके पावर को एग्जॉस्ट कर रहा है, डेबिलिटेट कर रहा है। कॉन्स्टिपेशन की दवाई या जैसे लूज स्टूल करने वाली दवाई, तो वो क्या कर रही है, वो हमारी आंत्रिक की पावर को कम कर रही है, उसको डेबली एग्जॉस्ट कर रही है उसकी पावर को। अगर वो स्पाजम में है तो इसीलिए तो वहां से स्टूल आने में दिक्कत है, तो वो स्पाज़म में है तो हमें ये ट्रीट करना होगा कि वो पार्ट क्यों स्पाज़म में है, रेक्टम क्यों स्पाज़म में है, वो पार्ट ट्रीट करना है, इंटेस्टाइन क्यों स्पाज़म में है, वो पार्ट ट्रीट करना है, ब्रोंकाई क्यों स्पाज़म में है, उस पार्ट को ट्रीट करना है, ना कि उसको उसको वो दवाई दे कि ये रिलैक्स्ड हो जाए। अगर ये पार्ट सही होगा कि वो क्यों स्पाज़म में है, तो फिर उसको ये रिलैक्स करने की दवाई नहीं देनी है, यहाँ पर काम करने की दवाई नहीं देनी है, हमें ये पार्ट क्लियर करना है कि वो क्यों स्पाज़म में। लेकिन ये सब दवाइयाँ कैसी देती है जो पार्ट पे असर करे, और ये जैसा अगर स्पाज़म है तो रिलैक्सेशन की दवाई देते, एंजाइटी है तो पीस में आने की दवाई देते, यानी कि एंजाइटी चली जाने की दवाइयां देती है। वो सब क्या करते हैं, वाइटल पावर को एग्जॉस्ट कर देते हैं, डेबिलिटेट करते हैं, सप्रेस करते हैं, ना कि वो ओरिजिनल डिजीज को क्योर कर सकते हैं।
ऐसी ट्रीटमेंट बाय सच ट्रीटमेंट्स द एग्रावेशन ऑफ द सोरा इज नॉट ओनली हैस्टन फ्रॉम विद इन बट न्यू आर्टिफिशियल एंड थ्रेटनिंग एलिमेंट्स आर जनरेटेड बाय सच डिल्यूजिव एलोपैथिक क्योर्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, काफी थोड़ी उग्र बातें हैं, क्योंकि इसके साथ साथ मुझे वो एनर्जी भी महसूस होती है, इसलिए मेरी बातों में ये उग्रता आ जाती है। तो कोई ऐसा नहीं है कि मुझे नफरत है कोई सिस्टम से, लेकिन एक एक एनर्जी की बात है जो मैं उसके साथ चल रहा हूँ और हम सब इसके साथ चल रहे हैं कि ऐसी ट्रीटमेंट से, क्योंकि तो ही मोही अंतर कैसा, आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, तो हम सब एक एनर्जी में चल रहे हैं कि एग्रावेशन ऑफ सूरा ऐसी ट्रीटमेंट से क्या होगा। एग्रावेशन ऑफ सूरा इज नॉट ओनली हैस्टन फ्रॉम विद इन, अंदर से सिर्फ ये बढ़ेगी नहीं इसकी प्रोसेस, ये सोरा की एग्रावेशन की जो प्रोसेस है वो सिर्फ अंदर से बढ़ेगी ही नहीं, सिर्फ ये बढ़ती नहीं है बल्कि उसमें एक और बीमारी ऐड कर देती है। तो जो और वो बीमारी कैसी है, थ्रेटनिंग बीमारी है, वो ऐड कर देती। और ये कैसे होता है, आर जनरेटेड बाय सच डेल्यूजिव एलोपैथिक क्योर्स। उसको लगता है कि हमने बीमारी को जड़ से निकाल दिया, ऑपरेशन करके यूट्रस निकाल दिया, तो उसको लगता है कि अब ये ब्लड टल गई, लेकिन लेकिन ये ऐसा नहीं, अब इसके अंदर और एक बीमारी हो गई, लेकिन वो बीमारी 1 साल 2 साल या 3 साल के बाद नई बीमारी का स्वरूप लेके आ जाती। सो दैट द वाइटल फोर्स डज अटैक फ्रॉम टू साइड्स ऑफन इज अनेबल टू एस्केप। अब ये वाइटल फोर्स पहले तो नेचुरल तरीके से बीमार था, उसके यूट्रस बीमार था, लेकिन यूट्रस को निकाल दिया तो अब दो तरीके से बीमार हो गई, वो प्रोसेस तो चल रही है, उस वो अटैक बंद नहीं हुआ, नेचुरल प्रोसेस जो सोरा का था, जो उसकी नेचुरल बीमारी का प्रोसेस था, वो उससे वो हटा नहीं, सिर्फ रिजल्ट को हटा दिया। तो इस तरीके से पेशेंट दोनों दोनों तरफ से अटैक हो जाता है उसका वाइटल फोर्स, और ये बच नहीं पाएगा। पहले एक तो नेचर बीमारी थी और दूसरा दूसरी अब ये मेडिसिनल बीमारी भी आ गई। इफ इन सच केसेस द सैड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस इनडायरेक्ट एसॉल्ट्स ऑफ द ओल्ड मेथड्स ऑफ क्योर वेयर डायनामिक डिस्टर्बेंसेस ओनली they would surely either disappear of themselves when the treatment is discontinued, or they ought at least to be extinguished again effectively through homeopathic medicines. So, my dear friends, हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। अनिमान सर ने काफी बेहतरीन तरीके से पहले बोला कि ये सब incurable की तरफ हो जाएगा, लेकिन वो किसके लिए, allopathy के लिए वो incurable हो जाएगा। लेकिन जब ऐसे cases वो हमारे पास आए, ऐसे सैड कॉन्सिक्वेंसिस ओल्ड मेथड के ऑफ क्योर इनडायरेक्ट एसोल्ट हुआ ओल्ड मेथड से, और उसकी वजह से उनको लगता है कि वो क्योर हो गए, लेकिन जब ऐसी ट्रीटमेंट करने के बाद जब पेशेंट दूसरी ऐसी बीमारियां लेके आता है जो जिसका हल एलोपैथी के पास नहीं है, तो उसकी बात करें, ऐसी सैड कॉन्सिक्वेंसिस के केसेस जब आपके पास आए तो उसमें क्या करना है। लेकिन अगर वो डायनामिक डिस्टरबेंस हो सिर्फ कि भाई उसमें सिर्फ फंक्शनल चेंजेस है, तो फिर उसको जैसे ही वो उन दवाइयों को छोड़ेंगे तो वो डिसअपीयर हो जाएगा अपने आप कुछ ही दिनों में, और दे ऑट एटलीस्ट टू बी एक्सटिंग्यूस्ड अगेन इफेक्टिवली थ्रू होम्योपैथिक मेडिसिन, या फिर उसको हम बेहतरीन तरीके से इफेक्टिवली होम्योपैथिक दवाइयों से उसको खत्म कर सकते हैं। बट This is not at all the case. लेकिन ये ज्यादातर सभी केस में ऐसा होता नहीं है। They do not yield, और ये होता ही नहीं, होम्योपैथिक दवाइयों से भी ये सही नहीं होता है। Very likely by these indirect, continuous and repeated assaults on the sensitive, irritable fiber. Very likely by these. कि क्या होता है, इन इन जो एसोल्ट होता है हमारे सेंसिटिव इरिटेबल फाइबर पे, जो ये एसोल्ट होते हैं यानी कि अटैक,
એસોલ્ટ યાની ગુજરાતીમાં એવું કહીએ તો એ આ જે બધા હુમલાઓ થઈ રહ્યા છે આપણા આપણા ફાઈબર ઉપર, આપણા વાઇટલ કોર્સ પર, તો એ જો એસોલ્ટ હે, એટેક્સ હે, વો કેસે હે, ઇનડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ મેનર મેં હો રહા હૈ, કન્ટિન્યુઅસ એન્ડ રિપીટેડ એટેક હો રહે, એ એક દો બાર કી બાત નહીં હૈ, યે બાર બાર લગાતાર હો રહા હૈ એસા, તો વો ક્યા હોગા, બાય સચ ઇનજુડિશિયસ મેડિસિનલ ડિઝીઝ પોટેન્સીઝ, એ જો અન્યાયપૂર્વક કી મેડિસિનલ ડિઝીઝ પોટેન્સી હૈ, યાની કી ડિઝીઝ બીમારિયા, એસ ઇનસે હમારી હમારી વાઇટલ ફોર્સ પર જો 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 એસોલ્ટ હો રહા હૈ ઓર વો કન્ટિન્યુઅસ એન્ડ રિપીટેડ એસોલ્ટ હૈ, ઉનસે વીચ આર ગિવન ઇન લાર્જ ડોઝ, જો લાર્જ ડોઝ મેં દી ગઈ હૈ, ફ્રિક્વન્ટલી રિપીટેશન મેં દી ગઈ હૈ, તો માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, અગર આપ હોમિયોપેથિક દવાઈઓ કો ભી ઉસી એલોપેથિક નજરિયે સે યા એલોપેથિક રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન સે દે રહે કે લાર્જ ડોઝ મેં રિપીટેશન મેં દેના, તો ફિર આપ માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ સોરી ટુ સે આપ હોમિયોપેથી નહીં કર રહે, આપ એલોપેથિક પ્રેક્ટિસ કર રહે, ભલે ही દવાઈઓ કો યુઝ કર રહે હૈ હોમિયોપેથી કી, હોમિયોપેથિક દવાઈઓ કી પોટેન્સી કો યુઝ કર રહે, લેકિન આપ હોમિયોપેથિક પ્રેક્ટિશનર નહીં હૈ, આપ એલોપેથિક પ્રેક્ટિશનર, ક્યોંકિ યે સીધા સીધા મતલબ હૈ યહીં સે કી લાર્જ ડોઝ મેં ફ્રિક્વન્ટલી રિપીટેશન મેં આપ દે રહે હૈ, તો વો એલોપેથિક બાત હો ગઈ, ઇનજુડિશિયસ મેડિસિનલ ડિઝીઝ પોટેન્સીઝ, ઇસીલિયે યહાં પર સર ને યે નહીં લિખા એલોપેથિક દવાઈ, યહાં પર ક્યા લિખ દિયા, ઇનજુડિશિયસ મેડિસિનલ ડિઝીઝ પોટેન્સીઝ, એસી દવાઈયા કરકે આપ પેશન્ટ કી જો ઈ ટેબલ એન્ડ સેન્સિટિવ ફાઈબર હૈ ઉસકે ઉપર કન્ટિન્યુઅસ ઇનડાયરેક્ટ એન્ડ રિપીટેડ એસોલ્ટ્સ કર રહે હૈ, ઓર જબ એસા હોતા હૈ તો ક્યા હોતા હૈ ઉસસે, ધ વાઇટલ ફોર્સ ઇઝ ઓબ્લાઇજ ટુ મીટ ધીસ એટેક, વાઇટલ ફોર્સ કો કમ્પેરિઝન પડતા હૈ, યાની કે ઉસકો ફરજ ગીરતી હૈ કે વો ઇસ એટેક કા સામના કરે, જાનબૂઝ કે હમ ઉસકો ઉસકે સાથ ફાઇટ કરવાતે હૈ, ઉન એટેક કો અપને ઉપર લેને કે લિયે મજબૂર કરતે હૈ, એન્ડ ટુ એન્ડેવ્યોર આઈધર ટુ ડાયનામિકલી ચેન્જ ધીસ ટેન્ડર ઇન્ટરનલ ઓર્ગન્સ, ઓર ઇસી પ્રયાસ મેં વો અપને અપને અંદર કે જો જો ભી ઇન્ટરનલ ઓર્ગન હૈ જો ટેન્ડર હૈ ઉસકો ડાયનામિકલી ચેન્જ કરતા હૈ, ઇસ પાર્ટ કો સમજના હૈ તો હમે હેમર કો સાથ મેં લેના હોગા, કે હેમર કી અંડરસ્ટેન્ડિંગ મેં ક્યા હૈ કે જબ ભી ડીએચએસ આતા હૈ તો સિમ્પેથેટિક કો ટોનિયા હોતા હૈ, યાની કે સિમ્પેથેટિક ઓવર સ્ટિમ્યુલેશન, યહી બાત એલોપેથિક સિસ્ટમ કી બુક્સ મેં લિખા હૈ કે જબ ભી કોઈ પરિસ્થિતિ આતી હૈ, સ્ટિમ્યુલસ આતા હૈ, તો વહાં સે બોડી ફાઇટ એન્ડ ફ્લાઇટ રિસ્પોન્સ કરતા હૈ, સ્ટ્રેસ રિસ્પોન્સ મેં જાતા હૈ, તો વહી બાત હૈ કે જબ ભી એસા હોતા હૈ તો વો અપને ઇન જો ટેન્ડર ઇન્ટરનલ ઓર્ગન હૈ, સભી ઇન્ટરનલ ઓર્ગન કેસા હોતા હૈ, ટેન્ડર સખત હોતે, હાર્ડ હોતે, ઇઝીલી ચેન્જ નહીં આતા ઉસમે, તો જબ ભી એસા હોતા હૈ ઓર ઉસમે ડાયનામિકલી અપને આપ કો ચેન્જ કરતા હૈ, ઉન પ્રયાસ મેં કે વો ઇસ એટેક કા સામના કર સકે, વીચ આર એસોલ્ટેડ સો મર્સીલેસલી, ઓર અબ પહેલે ક્યા બોલા હેમર સર ને કે પહેલે સાઈકી મેં, સાઈકી સે બ્રેઇન મેં, ઓર બ્રેઇન ને અપને આપ કો બચાને કે લિયે ઉસકો કિસ પર ડાલ દિયા, ઓર્ગન પે, તો ઓર્ગન પે આ ગયા, તો ઓર્ગન પે આ ગયા તો અબ વો ક્યા કરેગા, સો એઝ ટુ મેક ધેમ અનએસેલેબલ, તાકી એસે ઓર્ગન જિસ પર યે મર્સીલેસલી બરો જિસમે બિના દયા અકરણીય અદયનીય ઇસ તરીકે સે ઉસકે ઉપર એસોલ્ટ હો રહે, એસોલ્ટ હો રહે, વીચ આર એસોલ્ટેડ સો મર્સીલેસલી, એન્ડ ઓર ટુ રિકન્સ્ટ્રક્ટ ધેમ મટીરિયલી, અપને આપ કો તોડ મરોડ કે દૂસરે એંગલ મેં બનાના પડા, જૈસે જૈસે અપની ચમડી કો તોડ કે વહાં સે વાર્ટ્સ પ્રોડ્યુસ કર દિયા, યાની કે અબ તોડ કે એક રિકન્સ્ટ્રક્ટ કરકે એક અલગ તરીકે કા પાર્ટ બના દિયા, એસી જરૂરત પડતી હૈ કે અપને આપ કો રિકન્સ્ટ્રક્ટ કરના પડતા હૈ, સો એઝ ટુ ક્યું રિકન્સ્ટ્રક્ટ કરના પડતા હૈ, તાકી વો સો એઝ ટુ મેક ધેમ અનએસેલેબલ ટુ સચ વાયલન્ટ એટેક્સ, યહી તો બાત હેમર સર હમે સમજા રહે સાઇકોલોજીકલી કે ફિગરેટિવ સેન્સ મેં હમારે સાથ ક્યા હોતા હૈ, પહેલે યે સબ થા
वो सब एनिमल्स में रियल सेंस में था कि भाई जब जब कोई अटैक करे तब ये प्रॉब्लम होता था। अब अटैक नहीं होता है तो भी हम डिल्यूजिवली सिचुएशन को परसीव करके अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। तो ये पार्ट समझने का है हमें कि जब ये वायलेंट अटैक्स होते हैं, चाहे चाहे वो मटेरियली हो, यानी कि मेडिसिनल डिजीज, मेडिसिन के द्वारा हमारे ऊपर अटैक किया जाए, या फिर फिगरेटिव सेंस में हो कि भाई बार बार घर पे बोलते हो कि तू ऐसा है वैसा है, या कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो हमें बोलता है, या कोई ऐसी सिचुएशन बार बार आती है जिसमें हमें हमारी सेंसिबिलिटी या फिर हमारी ससेप्टिबिलिटी हो उन चीजों से, हमारी हमारी लाइफ की नीड खतरे में आ जाती है, हमारा सर्वाइवल खतरे में आता है, तो फिर हम उसमें डिफेंस लेना चालू करते हैं। अब ये डिफेंस सिचुएशन ऐसी नहीं है, फिर भी हम उसी तरीके का डिफेंड लेते हैं क्योंकि हमने उसको एडप्ट किया हुआ है। और ये एक बार का नहीं है, ये हजारों हजारों जनरेशन से हमारे अंदर आया हुआ पार्ट है। तो अपने आप को उस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करता है, अपने अंदर चेंज लाता है, डायनामिकली चेंज लाता है, यानी कि फिजियोलॉजिकल चेंज, या फिर अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर लेता है, यानी कि स्ट्रक्चरल चेंज में ले जाता है, या वो अल्सरेट कर देता है, या फिर वो ग्रोथ करता है। तो ऑर्गन को, इंटरनल ऑर्गन को रिकंस्ट्रक्ट करना या फिर उसके फंक्शन को चेंज करना, क्यों? ताकि वो इन सच वायलेंट अटैक को अपने अंदर अनअसेलेबल रखे, अपनी साइकी को, अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट कर सके, ताकि क्योंकि ये वायलेंट अटैक्स तो होते ही रहे, एंड दस टू प्रोटेक्ट एंड शील्ड द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम जनरल डिस्ट्रक्शन, ताकि वो पूरी ऑर्गन, अगर साइकी गई तो पूरा बॉडी खत्म हो जाएगा, क्योंकि यही तो चला रहा है बॉडी को, ब्रेन को। तो इसीलिए तो जो साइकोलॉजिकल केसेस होते वो अपने आप को खत्म करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको तो अब ये होश ही नहीं रहा कि ये मेरी ही बॉडी है, ये मर गई तो साइकी भी मर जाएगी, वो तो फ्री हो जाएगी साइकी। तो ये जनरल डिस्ट्रक्शन से रोकने के लिए, अपनी सर्वाइवल को बचाने के लिए, ये अपने इंटरनल ऑर्गन्स में चेंज लाता है, या उसकी उसकी डायनामिकली उसको चेंज करता है, या फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट कर लेता है। एंड दस इसीलिए तो आजकल ये जो जेनेटिक बीमारियां या फिर बर्थ डिफेक्ट्स आते हैं कि भाई उसका हार्ट चेंज हो गया, या उसको हार्ट में हॉल है, यानी कि सेप्टल डिफेक्ट, बराबर, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या फिर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, बरो, ये सब क्या है? उसने रिकंस्ट्रक्ट करके अपने आप को उस तरीके में रखा ताकि ये उन एसोल्ट्स को जो जो फिगरेटिव सेंस में है मदर के वूम्ब में, वो उसके सामने बॉडी को बचा सके, जनरल डिस्ट्रक्शन से अपने आप को रोक सके। इसीलिए तो ये सब बीमारियां ऐसी किस तरीके से आ रही है। दस दैट इज दिस फोर्स विच इंस्टिंक्टिवली प्रिजर्व्स लाइफ। ये फोर्स कैसा है? एफोरिज्म नंबर 9 क्या है? ये फोर्स, वाइटल फोर्स कैसा है कि लाइफ को प्रिजर्व करती है, प्रिजर्वर ऑफ लाइफ है, लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए इंस्टिंक्टिव होता है, ये तुरंत काम करती है, इंस्टिंक्ट, बट ये इंस्टिंक्टिव है, यानी कि इसको देर नहीं लगती लाइफ को प्रिजर्व करने में, ये तुरंत प्रिजर्व करता है, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो तो वो अपनी लाइफ को प्रिजर्व करेगा। ये नेचुरल है, बाय डिफॉल्ट है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये तो होगा ही। जब भी कोई दिक्कत की बात होगी तो हम अपने आप को बचाने के लिए तुरंत जाएंगे, ये इंस्टिंक्ट है, ये हमारे अंदर, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जब भी लाइफ लाइफ को कोई सर्वाइवल का प्रॉब्लम होगा तो वो अपने आप को बचाएगी, डिफेंड करेगी, ये तय है। तो ये ऐसी बनी हुई वाइटल फोर्स है, ये वाइटल फोर्स बेनिफिशियली सील्स द फाइन सेंसिटिव स्किन ऑफ द हैंड विथ द कैलस कवरिंग ऑफ द हार्ट।
यही तो बात हम समझा रहे हैं, यही तो बात हैमर सर भी समझाए बाद में, पहले हनुमान सर ने इसको समझाया कैसे ये फोर्स कैसा है जो लाइफ को प्रिजर्व करता है। ये इंस्टिंक्टिव है, इंस्टिंक्टिव है, उस तरीके से लाइफ को प्रिजर्व करता है। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आया, फिगरेटिव सेंस में हो या फिर रियल सेंस में हो, जैसे ही प्रॉब्लम आया वो बेनिफिशियली लाभदायक के रूप से शील्ड करता है, शील्ड करता है, कवरिंग करता है। किस तरीके से, किसको सब कवरिंग करता है, शील्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है, द फाइन सेंसिटिव स्किन ऑफ द हैंड, हमारे हाथों को बचाता है। किस तरीके से, जैसे मुझे यहाँ पर ये थिक स्किन हो गई जो बाइक चलाते बार बार लगातार चलाने से यहाँ पर थिक स्किन हो जाती, तो वो अपने अपने सेंसिटिव स्किन को बचाता है कैसे, विथ अ कैलस कवरिंग ऑफ हार्ट। वो उसने वहां पर हार्ड कैलस कवरिंग कर दिया, या फिर कैल्केनियम स्पूर, ऑक्सीपिटल स्पूर, बराबर, कोई भी बोनी ग्रोथ, मार्जिनल ऑस्टियोपाइट, क्यों ये कर रहा है, बॉडी क्यों ऐसा प्रोड्यूस कर रही है, रिकंस्ट्रक्ट कर रही है, ताकि वो बॉडी के पार्ट को बचा सके, जनरल डिस्ट्रक्शन से बचा सके। जब भी आपके पास कोई डिजीज लेके आए, जैसे फाइब्रॉइड आ गए, तो फाइब्रॉइड आया तो आपको समझना है कि बॉडी ने इसको इतना हार्ड क्यों किया, इतना बड़ा क्यों कर दिया, इस यहाँ पर इसको इतना ट्यूमर क्यों प्रोड्यूस किया, वो पार्ट समझना है। क्योंकि हनुमान सर यही समझा रहे कि ये फोर्स है जो ये क्रिएट कर रहा है, अब फोर्स को क्यों जरूरत पड़ी ये क्रिएट करने की, वो पार्ट अब जब आप सॉल्व करेंगे तो उसको ट्यूमर को निकालने की जरूरत नहीं है सर्जरी से, वो ट्यूमर अपने आप गल जाएगा। वो कैलस फॉर्मेशन जो हुई है, हार्ड कैलस फॉर्मेशन, वो अपने आप हट जाएगा, क्योंकि अब लाइफ को रखने की जरूरत नहीं है, उसका सर्वाइवल नॉर्मल हो गया है। यानी कि जो साइंस में ये प्रूव हुआ है कि हमारी बॉडी, पूरी बॉडी, ब्रेन से लेके फुट तक सभी सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं 2 साल में, 2 साल में पूरी बॉडी रीजनरेट होती है, हर एक सेल रीजनरेट कर जाता है 2 साल में, बराबर। चमड़ी का टाइम अलग है, ब्रेन का टाइम है, लेकिन पूरा सब कुछ मिला के 2 साल में पूरी बॉडी नई बनती है हमारी, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन ये बार बार जब नई बनती है तो पुराने जैसी क्यों बन रही है, क्योंकि हमने हमारी थॉट प्रोसेस में, हमारे हमारी अंडरस्टैंडिंग में, हमारे लाइफ के जे देखने के नजरिए में, हमारे परसेप्शन को कोई किसी एंगल से चेंज नहीं किया, तो हमारे सेल वही बने जो पुराने थे, इसीलिए तो बीमारियां क्रॉनिक रहती है। तो नेचर काफी हेल्पफुल है, वाइज है, उनको पता था कि कुछ ना कुछ लाइफ में दिक्कत आएगी, तो उन्होंने यही सिस्टम बनाया कि पूरे सेल, ब्रेन के हो या मसल्स के हो या फिर स्किन के हो या फिर बोन के सेल हो, कोई भी ऑर्गन के सेल हो, कोई भी टिश्यूज हो, वो सब रीजनरेट हो जाए 2 साल में। तो पेशेंट तो 2 साल में अगर सही नहीं हुआ तो आपका दवाई तो पक्की रॉन्ग है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जब राइट दवाई जाती है तो रिजल्ट फास्ट होते हैं, क्योंकि हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट है। तो अब हम देख रहे हैं हमारे प्रैक्टिस में रिसेंटली काफी ऐसे ऐसे केसेस है जो फटाफट निकल रहे, 1-1.5 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में रिजल्ट निकलते हैं। गंभीर बीमारियां हुई या फिर काफी डीपर केसेस है जिसमें जीनेटिक म्यूटेशन है, तो उन केसेस में टाइम लगता है, ऑटोइम्यून डिजीजेज है तो उसमें टाइम लग सकता है, उसमें भी डिफरेंसेस है कि ऐसे ऑटोइम्यून डिजीज जिसमें अगर ओनली डायनामिक चेंज है, यानी कि फंक्शनल चेंजेस है, तो वो फटाफट से निकलते हैं, जहां पर स्ट्रक्चरल चेंज आ गए तो उसमें टाइम लग सकता है, तो वो टाइम आपको देना पड़ेगा। तो और उसको ट्रीट करने के लिए भी हनुमान सर ने क्या बोला है कि वहां पर सिर्फ एक दवाई से आप पकड़ के बैठ मत जाओ, वहां पर सेवरल एंटीसोरी की जरूरत होती है, तो समयांतर पे देखते रहो, पेशेंट के साथ बातचीत करो, कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ नए सिम्टम मिलते हैं, तो उसके आधार पे देखो कि अगर कोई नई दवाई इंडिकेट होती है तो फिर उसको दो, बराबर।
समयांतर पे आपको ऐसा करना होगा, जहां पर भी आपको लगे कि भाई अब इम्प्रूवमेंट स्टॉप हो गया, यानी कि दवाई को जितना काम करना था उतना कर दिया, अब आपको एक नई दवाई की जरूरत। तो ये कैसे समझाया सर ने इस कोर्स को कि जहां पर उसको जरूरत लगी बेनिफिशियली वो स्किन को कवर करता है हार्ड कैलस से, हॉर्नी स्किन इन पर्सन विथ हुम द स्किन इज एक्सपोज टू फ्रीक्वेंट इंजरीज। जैसे मैंने बताया कि भाई हार्ड लेबर किया बरो, बार बार उसको लीवर देते हैं तो वहां पर हार्ड उसको प्रेशर आता है, प्रेशर आता है तो उसने अपने सेंसिटिव स्किन को हार्ड बना के कवर कर लिया। अगर जैसे हार्ड लेबर हम करते, जैसे मैं डॉक्टर हूं और मैं मजदूरी का काम करूं बरोबर, या खेत का काम करने के लिए चला जाऊं, तो मेरे धीरे धीरे मेरे हाथ में छाले पड़ने लगते, तो वो हार्ड लेबर के दरमियान ये अगर ये बार बार मैं करता रहूं तो धीरे धीरे मेरे हाथों की स्किन जो अभी सॉफ्ट है लेकिन वो धीरे धीरे हार्ड हो जाएगी। तो आप किसी भी किसान के हाथ देखेंगे तो वो एकदम हार्ड होता है, मजदूर का हाथ देखो तो वो हार्ड होते हैं, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर्स या फिर जो ऑफिस वर्क करते हैं उनका उनका हैंड एकदम सॉफ्ट रहता है। क्यों? क्योंकि उसके स्किन में वो लेबर नहीं आता, वो प्रेशर नहीं आता, वो इंजरीज नहीं होती, इसलिए उनके उनकी जो स्किन है वो सॉफ्ट है, और दूसरों की हार्ड हो गई जो हार्ड वर्क करते हैं उनकी स्किन हार्ड हो जाती। फ्रीक्वेंट इंजरीज ड्यूरिंग हार्ड लेबर वेयर बाय द स्किन इज इंजर्ड बाय हार्ड स्क्रैचिंग मटेरियल्स और बाय कोरोडिंग सब्सटेंसेस, और जो केमिकल कंपनीज में काम करते हैं उनकी भी स्किन हार्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको केमिकल से इंजरी होती है तो वो भी हार्ड हो जाती। सो ऑल्सो इन अ लॉन्ग कंटिन्यूड एलोपैथिक ट्रीटमेंट विच हैज नॉट इन हीलिंग पावर विथ रिस्पेक्ट टू द डिजीज, नो डायरेक्ट पैथिक मीन्स होम्योपैथिक रिलेशन टू द पार्ट्स एंड प्रोसेसेस कंसर्न्ड इन क्रॉनिक डिजीज, बट इंटरनली एसोर्ट्स अदर डेलिकेट पार्ट्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इन सच केसेस द वाइटल फोर्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द वॉल फ्रॉम डिस्ट्रक्शन डायनामिकली एंड ऑर्गेनिकली ट्रांसम्यूट्स दीज फाइन ऑर्गन्स, दैट इज आइदर मेक्स देम इनएक्टिव और पैरालाइज देम और डल्स देयर सेंसिटिवनेस और मेक्स देम ऑल टूगेदर कैलस। सो ऑल्सो इन लॉन्ग कंटिन्यूड एलोपैथिक ट्रीटमेंट, एलोपैथिक ट्रीटमेंट में कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक लेने से विच हैज नॉट इन हीलिंग पावर विथ रिस्पेक्ट टू द डिजीज, और ऐसी ट्रीटमेंट है जो इस पार्ट को इस डिजीज को हील नहीं कर सकती, ऐसी दवाइयों से उसको ट्रीट किया जा रहा है, नो डायरेक्ट पैथिक यानी कि नो सिमिलर रिलेशन टू द पार्ट एंड प्रोसेस इज कंसर्न इन द क्रॉनिक डिजीज, जो क्रॉनिक डिजीज है उसको हील करने के लिए कोई कंसर्न नहीं है, उसका कोई रिलेशन नहीं है। ऐसी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करने से बट इंटरनली एसोल्ट्स ये कंटिन्यू होता है, उसका इससे साथ कोई रिला देना नहीं है डिजीज के साथ, लेकिन लेकिन क्या करती है वो ट्रीटमेंट, इंटरनली एसोल्ट्स अदर डेलिकेट पार्ट्स, हमारे दूसरे डेलिकेट पार्ट्स को दूसरे डेलिकेट ऑर्गन्स को वो एसोल्ट करती है, उसके ऊपर अटैक करती है, और इन सच केसेस और ऐसे केसेस में द वाइटल फोर्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द वॉल फ्रॉम डिस्ट्रक्शन डायनामिकली एंड ऑर्गेनिकली ट्रांसम्यूट्स दीज फाइन ऑर्गन्स, दैट इज आइदर मेक्स देम इनएक्टिव और पैरालाइजिस देम, तो या वो अपने पूरे डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑर्गन को हमारे फाइन ऑर्गन को डायनामिकली या स्ट्रक्चरली यानी कि ऑर्गेनिकली स्ट्रक्चरली हमें उसके ट्रांसम्यूट करता है, चेंज करता है फिजियोलॉजिकली या पैथोलॉजिकली चेंज करता है, आइदर मेक्स देम इनएक्टिव और पैरालाइजिस देम, उसको इनएक्टिव या पैरालाइज कर देता है, दैट इज अ स्ट्रक्चर फंक्शनल चेंज, या फिर उसकी सेंसिटिवनेस को डल करता है, या ऑल टुगेदर इसको कैलस बना देता है, उसको हार्ड इतना बना देता है कि कोई अब स्किन को इतनी हार्ड कर दी अब यहाँ पर सेंसिटिवनेस नहीं है।
ऑन द वन साइड, दूसरे साइड में द मोस्ट टेंडर फाइबर इज एबनॉर्मली थिकन्ड और हार्डन्ड। ऐसे फाइबर जो टेंडर थे और वो एबनॉर्मली अब थीक हो गए या हार्ड हो गए, एंड द मोर वाइगोरियस फाइबर्स कंज्यूम्ड और एनिहिलेटेड। और जो एकदम और जो एक्टिव फाइबर, विगोरियस यानी कि जिसके अंदर शक्ति हो, तरोताजा हो, ऐसे फाइबर्स कंज्यूम्ड हो गए यानी कि वो यूज हो गए, और या फिर एनिहिलेटेड यानी कि वो खत्म हो गए। दूसरी साइड ये है कि हमारे फाइबर, एक साइड ये है कि वो ये चल रहा है एसॉल्ट और वाइटल फोर्स अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, पूरे डिस्ट्रक्शन से अपने आप को बचा रहा है कुछ ना कुछ करके। और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी और क्या हो जाता है, हमारे जो टेंडर फाइबर है वो थिकन्ड एबनॉर्मली हो गए या फिर हार्डन्ड हो गए, और हमारे जो वाइगोरियस फाइबर थे, ये जो एक्टिव फाइबर है हमारी बॉडी को चलाने के, वो फाइबर कंज्यूम्ड हो गए या एनिहिलेट हो गए। दस देयर अराइज आर्टिफिशियली एडवेंचियस ऑर्गेनिजम्स, माल फॉर्मेशंस एंड डीजनरेशंस। तो इस तरीके से ये एलोपैथिक दवाइयों के एसोल्ट की वजह से, एलोपैथी यानी कि नॉन होम्योपैथिक, नॉन होम्योपैथिक दवाइयों के एसोल्ट से, और ये होम्योपैथी मीन्स सिमिलर, कि ये सिर्फ सिर्फ ये सिस्टम में, कोई भी सिस्टम में अगर सिमिलिमम दी है तो फिर वो बेटर दवाई है, बेस्ट दवाई है, वो काम करेगी, वो नुकसान नहीं करेगी। तो कोई भी सिस्टम हो, अगर नॉन होम्योपैथिक दवाई दी है, एलोपैथिक दवाइयाँ दी है, तो वो हमारी बॉडी को इस तरीके से आर्टिफिशियली एडवेंचियस ऑर्गेनिज्म क्रिएट करेगी, यानी कि जैसे जैसे एक एक्स्ट्रा फिंगर निकल के आए, या फिर मैक्यूलम, डाइवर्टिकुलम प्रोड्यूस करे, डाइवर्टिकुला प्रोड्यूस करे, तो ये एक एक्स्ट्रा एडवेंचियस ऑर्गेनिज्म क्रिएट करती है, जैसे मार्जिनल ऑस्टियोफाइट्स, कैल्केनियम स्पूल, बराबर। ये सब ऑर्गेनिजम्स को, एडवेंचियस ऑर्गेनिज्म आर्टिफिशियली अराइज करती है, माल फॉर्मेशंस क्रिएट करते हैं, डी जनरेशन चालू कर देते हैं, ये एसोल्ट डी जनरेशन चालू कर देते, विच एट पोस्ट मॉर्टम एग्जामिनेशन आर कनिंगली एस्क्राइब टू द मैलिग्नेंसी ऑफ द ओरिजिनल डिजीज। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कनिंगली यानी कि छेतर पिंडी से, कनिंग करना यानी कि छेतर पिंडी कर, कनिंगली छेतर पिंडी से एस्क्राइब टू मैलिग्नेंसी ऑफ द ओरिजिनल डिजीज। ओरिजिनल डी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करके उन्होंने क्या बता दिया कि ये तो ओरिजिनल डिजीज का ही पार्ट था, कि पहले पहले डिस्क बल्ज हुआ, डिस्क बल्ज हुआ और फिर मार्जिनल ऑस्टियोफाइट आए, तब तो उन्होंने एग्जामिनेशन में देखा पोस्टमार्टम में कि ये तो मार्जिनल ऑस्टियोफाइट और उसके साथ साथ डिजनरेशन ऑफ द वर्टेब्रा भी है, तो उन्होंने दिखा दिया कि ये तो पूरे डिस्क डिजीज का ही पार्ट हो गया। तो ये वर्टेब्रल कॉलम की डिजीज का पार्ट हो गए, तो ये बता दिया। एज फॉर एग्जाम्पल मैं समझ रहा हूँ या आपको समझा रहा हूँ, लेकिन बात ये है कि ये जब भी ऐसे डिजनरेशन, माल फॉर्मेशन पोस्टमार्टम में आते हैं, तो वो बता देते हैं कि भाई ये तो ओरिजिनल डिजीज का ही मैलिग्नेंसी है, कि वहां पर अब ये बीमारी यहाँ से वहां शिफ्ट हो गई। सच एन इंटरनल स्टेट इज नॉट इनफ्रीक्वेंट, मीन्स फ्रीक्वेंट, सच एन इंटरनल स्टेट इज फ्रीक्वेंट एंड इज इन मेनी केसेस इनक्योरेबल। ऐसे केसेस, ऐसी स्टेट हमारे पास बार बार आती है और मेनी केसेस में ये इनक्योरेबल होता है। ओनली वेयर देयर आर स्टिल सफिशियंट वाइटल फोर्स, वाइटल पावर्स इन अ बॉडी, नॉट टू मच बोर्ड डाउन बाय एज। अगर लंबी उम्र नहीं हुई है, बड़ी उम्र नहीं हुई है, तो ऐसे बीमारियां जिसमें जिस जिसमें अभी भी बॉडी में कुछ ना कुछ वाइटल पावर्स है, सफिशियंट वाइटल पावर है, कुछ ना कुछ नहीं लेकिन सफिशियंट वाइटल पावर है अभी भी, तो अब उसका कोई मापदंड तो है नहीं हमारे पास कि वाइटल फोर्स पावर कितना है, बॉडी में कितना वाइटल एनर्जी है, उसकी कोई मापदंड या कोई ऐसी मशीन हमारे पास नहीं है कि उसको हम माप सके कि भाई इतना सफिशियंट, इतना हो तो इसको सफिशियंट कहते। लेकिन ये एक आर्ट एंड साइंस है, बरो, इसलिए ये आर्ट है, फिजिशियन को ये अपनी आर्ट को विकसाना होगा कि
वो जांच सके, अपने पेशेंट को पहचान सके कि भाई ये मेरी दवाई इसमें कितनी काम करे, इसको हमें ही परखना है। बरोबर, ये आर्ट है सर। तो ओनली वे जहां पर ये पावर होगी, सिर्फ वहां अंडर फेवरेबल एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, और साथ में और उसकी उम्र भी बड़ी नहीं होनी चाहिए। बट वेयर अंडर एन एलोपैथिक रेजिम डू वी नॉट फाइंड द पावर्स वेस्टेड। और लेकिन वहां पर हमें ये नहीं हमें देखना है कि वहां पर एलोपैथिक दवाई उसकी उसके पावर को वेस्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि पावर तो है, लेकिन साथ में दवाइयां भी चालू रखते हैं, तो उन केसेस में उसका पावर धीरे धीरे खत्म होते जा रहा होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वेयर अंडर एन एलोपैथिक रेजिम डू वी नॉट फाइंड द पावर्स वेस्टेड, यानी कि एलोपैथिक दवाइयों में वो पावर वेस्ट नहीं होनी चाहिए। उन केसेस में यानी कि जहां पर पेशेंट जहां पर पेशेंट एलोपैथिक दवाई को बंद कर देता है और सिर्फ होम्योपैथिक दवाई लेता है, और ऐसे केसेस जहां पर अभी भी सफिशियंट वाइटल पावर है कि वो स्टिम्युलेट है वो के अपने आप को ठीक कर सकता है, उन केसेस। साथ में अंडर फेवरेबल एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, साथ में क्या है कि उसकी जो फेवर एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस है वो भी अच्छी है, फेवरेबल है। उन सिर्फ सिर्फ उसी केसेस में द वाइटल फोर्स डायनामिकली फ्रीड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डिजीज बाय द केयरफुल होम्योपैथिक एंटीसोरिक ट्रीटमेंट ऑफ अ प्रैक्टिस्ड फिजिशियन। जिस जिसके पास अनुभव है उस फिजिशियन की होम्योपैथिक एंटीसोरिक दवाइयों से, केयरफुल दवाइयों से, केयरफुल ट्रीटमेंट से ये ओरिजिनल डिजीज से मुक्त कर सकता है वाइटल फोर्स। मे सक्सीड इन ग्रेजुअली रीअसर्टिंग इटसेल्फ, और अपने आप को धीरे धीरे रीअसर्ट करने में सफल हो सकता है वाइटल फोर्स, एंड इन ग्रेजुअली एब्जॉर्बिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग दोज मोस्ट नंबर दोज ऑफन नंबरस एडवेंचर्स सेकेंडरी फॉर्मेशंस विच इट वॉज कंपेल्ड टू फॉर्म। और उन बीमारियों को भी जो एलोपैथिक दवाइयों से प्रोड्यूस हुई है, उन बीमारियों को भी, क्योंकि उनको तो कंपेल्ड किया गया कि अपने ऑर्गन के स्ट्रक्चर को चेंज करे, अपने ऑर्गन की डायनामिज्म को चेंज करे, वो कंपेरिजन हुई क्योंकि दवाइयों का एसल्ट चालू था, तो वो भी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर सकता है उसकी उसको एब्जॉर्ब कर सकती है ग्रेजुअली। सच इसीलिए काफी बार हम देखे तो पेशेंट को दवाई दे तो उसकी एक दो डिजीज जो पुरानी होती है वो सही हो जाती तुरंत, लेकिन जो दवाइयां चालू करने के बाद जो जो तकलीफें आई उसको ठीक करने में टाइम लग गया, क्योंकि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। जो एलोपैथिक दवाइयों से क्रिएशन होती है उसको सही होने में टाइम लग। सच अ ट्रांसफॉर्मेशन इज हावेवर ओनली पॉसिबल टू अ स्टिल एनर्जेटिक वाइटल फोर्स। अभी भी सर कह रहे हैं कि ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ उनमें होती है जो अभी भी सक्षम है, सफिशियंट है, एनर्जेटिक वाइटल फोर्स है, उनमें ही होगा, विच हैज बीन इन ग्रेट पार्ट सेट फ्री फ्रॉम इट्स सोरा। और वो उन वाइटल फोर्स में जिन्होंने अपने आप को ज्यादातर पार्ट से मुक्त कर दिया है सोरा से, यानी कि हमारी दवाइयों से। ओनली हावेवर अंडर फेवरेबल एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस एंड आफ्टर द लेप्स ऑफ अ कंसिडरेबल टाइम एंड यूजुअली इन ओनली इन इनपरफेक्ट मैनर डज द वाइटल फोर्स सक्सीड इन दीज ऑलमोस्ट क्रिएटिव एंडेवियर। मात्र ओनली मीन सिर्फ, हावेवर सिर्फ सिर्फ अंडर फेवरेबल एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, बाहरी वातावरण सुखमय हो उसके साथ ही, एंड आफ्टर द लेप्स ऑफ अ कंसिडरेबल टाइम एंड यूजुअली इन ओनली एंड इम्परफेक्ट मैनर, कंसिडरेबल टाइम के बाद और इम्परफेक्ट मैनर में, यानी कि हम जिस जैसे नेचुरल बीमारियों को सही करने में कैसे परफेक्ट मैनर में जाते हैं कि भाई अपो डाउनवर्ड और ये सब देखते हैं, ये उन तरीके से जाने वाली बीमारियां नहीं है जो एलोपैथिक दवाइयों से प्रोड्यूस होती है। ये इम्परफेक्ट मैनर में, सिर्फ इम्परफेक्ट मैनर में, इम्परफेक्ट मैनर में डज द वाइटल फोर्स सक्सीड
वाइटल फोर्स सक्सीड कर पाता है इन दिस ऑलमोस्ट क्रिएटिव एंडेवियर। ये एक क्रिएटिव प्रयास है अपने आप में कि जैसे चमत्कार हो गया कि ये सब बीमारियां सही हो गई। वो ऐसे ऐसे क्रिएटिव एंड प्रयास के साथ वो अपने आप को हल करने में सक्षम होता है, सफल हो जाता है। कहां पर, जहां पर फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस हो और कंसिडरेबल टाइम जाए उसके बाद। एक्सपीरियंस प्रूव्स डेली दैट द मोर जीलसली द एलोपैथ पुट्स इन टू प्रैक्टिस इन क्रॉनिक डिजीजेस हिज परवर्स डिस्ट्रक्टिव आर्ट ऑफन विथ ग्रेट केयर इंडस्ट्री एंड परसिस्टेंस द मोर ही रियंस हिज पेशेंट्स इन हेल्थ एंड लाइफ। एक्सपीरियंस प्रूव करती है, रोज प्रूव करती है, साबित करती है कि दैट द मोर जीलसली द एलोपैथ जितना उत्साह के साथ एलोपैथ पुट्स इन टू प्रैक्टिस इन क्रॉनिक डिजीज अपनी प्रैक्टिस को लगाता है क्रॉनिक बीमारियों को ठीक करने में, अपनी प्रैक्टिस में जितने उत्साह के साथ यानी कि जितना जल्दी से वो करता है इस परवर्जिव डिस्ट्रक्टिव आर्ट क्रॉनिक डिजीज में अपनी परवर्जिव डिस्ट्रक्टिव आर्ट को झोंकता है प्रैक्टिस में ऑफन विथ ग्रेट केयर इंडस्ट्री एंड परसिस्टेंस और वो करते रहता है। और इंडस्ट्री भी ऐसी हो गई, इंडस्ट्री के साथ यानी कि बड़ी बड़ी अस्पताल बना के ग्रेट केयर और साथ में लिखते हैं कि हम केयर करते हैं पेशेंट और इतना ध्यान रखते हैं कि उसको बोलते हैं कि भाई ये सुबह दोपहर शाम या ये सुबह शाम या ये सुबह में या ये रात को ये इतना लेना ही है। जितना उत्साह के साथ ये पेशेंट को हैंडल करेंगे द मोर ही रियंस उतना ज्यादा ही रियंस हिज पेशेंट्स इन हेल्थ एंड लाइफ। ये अपने पेशेंट की हेल्थ एंड लाइफ को रियंड करेंगे, खत्म करेंगे, निरस कर देंगे। तो आज हम इस सेशन को यहाँ पर स्थगित करते हैं, कल फिर से जुड़ेंगे आपके साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चोरा की इस जर्नी में आप सबका स्वागत है और थैंक यू। तो अपने आप को देखते रहिए और अपने अपनी फीलिंग अपने सोरा को समझिए और उसको उसको जैसे ही समझेंगे अवेयर होंगे तो धीरे धीरे सोरा डाउन होगा। तो पहले जर्नी हमारे अपने से है, हम जितना अपने आप को समझेंगे उतना हम पेशेंट की लाइफ को समझना चालू करेंगे। थैंक यू।